गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपना सब्जेक्ट चल रहा ई कमर्स इलैक्ट्रॉनिक कमर्स, ठीक है। ये ऑलमोस्ट अपने सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अपने एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज इन ई कमर्स से ही एक टॉपिक बचा लास्ट, ये अपना सब्जेक्ट जो पूरा हो जाएगा। चलो अब आप लास्ट टॉपिक करते हैं, देखा ये दो वीडियोज़ के खत्म करा इस टॉपिक को। सब तो पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं जी। द वास्टनेस ऑफ इंटरनेट एडवर्टीजिंग ऑफर अ सॉलिड प्लेटफॉर्म फॉर इलैक्ट्रॉनिक कमर्स फॉर ई कमर्स टू एक्सपलोर। कहते जिमें जिमें इंटरनेट, वास्टनेस ऑफ इंटरनेट एडवर्टीजमेंट, जिमें जिमें इंटरनेट के उत्ते किसी चीज़ में एडवर्टीजमेंट की वधदी जा रही है, उस चीज़ को लैके कहते ई कमर्स जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक कमर्स है एक वधिया प्लेटफॉर्म है इन्हां चीज़ों को रीप्रजेंट करने वास्ते। ई कमर्स हैज़ द एबिलिटी टू प्रोवाइड सिक्योर शॉपिंग ट्रांजैक्शन कपल विद इंस्टेंट वेरीफिकेशन एंड वैलीडेशन ऑफ क्रैडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। ई कमर्स कहते ई कमर्स एबिलिटी होंगी अपन वधिया शॉपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिदे आप क्रैडिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। उन्होंने वेरीफिकेशन तो वैलीडेशन चैक करके ही जोड़ा सारा काम सिक्योर बेसिस से किया जाता है। ई कमर्स इज़ नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी इट सेल्फ, इट इज़ अबाउट डूइंग बिजनेस लेवरेजिंग द टेक्नोलॉजी। कहते ई कमर्स सिर्फ एक तरह की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं हैगी, बल्कि यह जी टेक्नोलॉजी है जिदे आप बिजनेस में वधिया ढंग के नाल परफॉर्म कर सकते हैं। अ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज फॉलोड बाय फ्रीक्वेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड इन टू लॉ। कहते कानून के जोड़े आ अपने जो भी इनोवेशनस हो रही हैं टेक्नोलॉजी दी, इन्हां दी लॉ दे विच एक अलग प्लेस है। न्यू फॉर्म्स ऑफ ई कमर्स दैट अनेबल न्यू बिजनेस प्रैक्टिस हैव मैनी एडवांटेजेस बट ऑलसो ब्रिंग न्यूमेरियस रिस्क। कहते ई कमर्स के उत्ते आप चाहे वे नवे बिजनेस शुरू कर लिया और कुछ रिस्क भी इनवॉल्व होंगे, कुछ रिस्क फैक्टर भी होंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट द एथिकल एंड लीगल इशू रिलेटेड टू ई कमर्स। कहते इन्होंने डिस्कस करते हैं कि होंगे। सब तो पहले आप देख रहे हैं एथिकल इशूज़। द क्वेश्चन ऑफ एथिक्स इन ई कमर्स इज करंट चैलेंजिंग कन्फर्मिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। कहते हरेक ऑर्गेनाइजेशन लिए जोड़े एथिकल इशू है एक चैलेंज बन चुके हैं। आई टी प्रोफेसनल्स एंड आई टी मैनेजर एंड डोज इन डिसिप्लिन लाइक मेडिसन एंड लॉ सबसक्राइब टू कोर्स ऑफ एथिक्स अगवन द वे दे बिहेव विद क्लाइंट्स कस्टमर एंड द सोसाइटी एट लार्ज। कहते जे आई टी प्रोफेसनल्स है, इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेसनल्स है या मैनेजर्स है, इन्होंने एक वधिया डिसिप्लिन के रहना पैदा। इन्हों का वे देखा जाता है भी जिन्हें भी इन्हों के क्लाइंट्स है उन्होंने इन्हों का बिहेवियर किस बेसिस के उत्ते सैट है। ट्रस्ट इज लिंक टू द एक्सपैक्टेशन दैट अ प्रोफेसनल विल बिहेव एथिकली। हुण जे वधिया तरीके नाल आपां बिहेव करते हैं, एथिकली बिहेव करते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग बंदियां नाल बिहेव करते हैं, तो एक ट्रस्ट बन जाता है ना। एक ट्रस्ट होना ना, अपने एक्सपैक्टेशन होंगे आप किसी को जावे वधिया ढंग नाल गल करूगा, तो एक एक ट्रस्ट जिहड़ा उहदे एक डिवेलप करना जरूरी होंदा। दिस इज असेंशियल इन बिजनेस बिकॉज आर सोसायटी डिपेंड्स इन फेयरनैस एंड गुड जजमेंट। बिजनेस के लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो समाज के रहने वे की है फेयर बेसिस से काम लोग पसंद करते हैं, भी जिद भेदभाव ना हो कोई। बिकॉज पीपल आर एक्सपैक्टेड टू टैल द ट्रूथ एंड वॉन्स कस्टमर वैन अ फॉल्ट इज डिसकवर इन अ प्रोडक्ट। जो कोई कस्टमर मतलब जो कोई फॉल्ट वगैरह आ जाता है किसी प्रोडक्ट के कस्टमर दसया जाए, यह नहीं भी गलत चीज़ कस्टमर वेच दी जाए। एथिक इज़ वन ऑर ऑल द फॉलोइंग्स। कि एथिक्स होंगे, कहते एक तो होंगी फेयरनैस फेयर बेसिस से होना चाहिए, जस्टिस न्यायपूर्वक होना चाहिए, इक्वेटी जो भी चुंगी जिन्होंने आप कह दें ऑनेस्टी के बेसिस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, तो इक्वालिटी बराबर होना चाहिए सबली। स्टीलिंग चीटिंग लाइंग बाय बेकिंग अ वर्ल्ड ऑल डिस्क्राइब अ लैक ऑफ एथिक्स। जिद चोरी होगी, धोखाबाजी होगी, ये सारिया अपने एक ही शो कर दें एथिक्स, लैक ऑफ एथिक्स, जिद एथिक्स की मैनर्स की कमी होंगी है। समथिंग अ एथिक वैन अ परसन फील इज इनिशियली राइट विच इज सब्जेक्टिव जजमेंट दैट इज दे शैल नॉट स्टील इज अ बिलीफ हेल्प मोस्ट पीपल बट इन पेरेंट हु स्टील अ लॉफ ब्रेड फीड आर स्ट्रेविंग चिल्ड्रन मे फॉर गिविंग फॉर दिस बिहेवियर। कहते हम किसी चीज़ को चोरी करना एक बहुत कहते एथिकलैस हो जाता है। जे आप बच्चों भुखे बच्चों खवाने लिए मतलब चोरी करते हैं तो गांह जाके बच्चा तो उस चीज़ का इफेक्ट पैदा। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब यह होंगे भी जो आप कोई फॉल्ट करते हैं उस एथिक्स की कमी होंगी, फ्यूचर में जाके अपन कि भरना जरूर पैदा।
Example of a person falsely report a donation of charitable organization, it is considerable illegal and immoral. हुण कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नूं गलत कोई फॉल्स चैक दे जांदा है या धोखेबाजी करन दी काम करदा है, ओह लॉ दे भी खिलाफ है ते अपनी सोसाइटी दे विच भी एक्सेप्टेबल नहीं हुंदा, तां उहदे इमोरल जिहड़ियां वैल्यूज है उहनां दे खिलाफ इलीगल है, तां उहनां दे खिलाफ की कीता जा सकदा, मतलब कुछ ना कुछ केस हो सकदा है, क्योंकि लॉ दे खिलाफ है, इलीगल है तां सज़ा भी हो सकदी है बंदे नूं। एन अनएथिकल एक्ट है एनी मोर इलीगल एक्ट ऑल्दो वन मे लीड टू अदर, फॉर एग्जाम्पल चीटिंग और फैडरल इनकम टैक्स रिटर्न इज़ मोर इलीगल एंड इमोटर ऑल द इंपलिसिटी अनएथिकल, जिमें आप कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं कर रहे, भी एक तरह का की है इलीगल है। चीटिंग ऑफ फ्रेंड इज़ मोर इमोटल दैन इलीगल, जो आप किसी अपने दोस्त को चीट कर रहे हैं तो इलीगल तो नहीं है, पर अपने मॉरल वैल्यू एथिक्स के खिलाफ है। सेंडिंग अ पैडेड बिल ऑफ क्लाइंट अनएथिकल एंड पॉसिबल इलीगल, गलत बिल किसी बंदे नूं भेजना इस कई हद तक इलीगल भी हो सकता है, अनएथिकल भी। दस्या होया कुछ चीज़ें इमोटल होंगे, मतलब अपनी नैतिकता नूं ठेस पहुँचा, कुछ अपने कानून नूं ठेस पहुँचा, उन्होंने बारे दस्या हो। इन जनरल मैनी एथिकल एंड ग्लोबल इशूज ऑफ इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी अपलाई टू ई बिजनेस, सो वट आर इशू पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ई कमर्स, तो कई इशू है जोड़े ई कमर्स के नाल कहते अपने नाल रिलेटड, इन्होंने चीज़ों लैके रिलेटड होंगे है। हूँ ये पहला आ गया वैब ट्रैकिंग, वैब ट्रैकिंग ई बिजनेस ड्रॉ इनफॉर्मेशन ऑन हाउ विजिटर यूज अ साइट थ्रू लॉग फाइल एनालिसिस टू लॉग फाइल मीन्स टर्न लॉग डाटा इन टू एप्लीकेशन सर्विस और इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर दैट कैन प्लक रेलीवेंट इनफॉर्मेशन फॉर क्लाइंट्स इन ऑल। वैब ट्रैकिंग कहते इनफॉर्मेशन साइट के उत्ते सर्च करना, इनफॉर्मेशन सर्च करन तो बाद प्लक कर लेना, वो इनफॉर्मेशन मतलब रख लेना आपके कोलों कट कर लेना जिहड़ी तुहानू जरूरत हुंदी है जिहड़ी इनफॉर्मेशन की। कंपनीज ट्रैक इन यूजर मूवमेंट थ्रू ट्रैकिंग द सॉफ्टवेयर एंड कुकीज़ एनालिसिस, तो हूँ कहते जो कंपनीज के जो सॉफ्टवेयर होंगे नाल दी नाल जो कोई कुकीज़ है कोई वायरस है जो कोई अनप्रडिक्टेबल डाटा है उन्होंने रिमूव करते रहते हैं। प्रोग्राम सच एज कुकीज रेज अ बैच ऑफ प्राइवेसी कंसर्न, दे ट्रैकिंग हिस्ट्री ऑफ स्टोर इन पीसी डिस्क, उस अलावा देखो जो आप किसी चीज़ को ट्रैक करते हैं अपने पीसी के उत्ते हिस्ट्री भी रह जाती है रिकॉर्ड भी रह जाता है। मैनी स्मार्ट एंड यूजर इंस्टॉल प्रोग्राम सच एज कुकीज़ कटलर स्पैन बचलर एक्सेक्ट प्रोवाइड यूजर टू कंट्रोल ओवर द कुकीज़, उस अलावा कहते कई ऐप जो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लेंगे है लोग आपके कंप्यूटर से हिस्ट्री तो अपना डाटा रिकवर करने की कोशिश करते हैं। द बैटल बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर एंड वैब ट्रैकर इज ऑलवेज गोइंग विद द रेंज ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर सच एज ए प्राइवेसी गार्डन माई प्राइवेसी एक्सेट्रा प्रोवाइड यूजर ऑनलाइन प्राइवेसी बाय इरेजिंग ब्राउजर कैशे, तो कहते कई सॉफ्टवेयर मार्केट के एह जे भी आते जी अपनी एडिशनल इनफॉर्मेशन होंगी है उन्होंने मतलब डिलीट करते रहेंगे ता कि कोई भी अनऑथोराइज यूजर जो वैब ट्रैकर होंगे वो अपने डाटा ट्रैक ना कर सकन, मतलब एक तरह की वधिया आपां नूं सिक्योरिटी जिहड़ी है इंटरनेट दे उत्ते प्रोवाइड कर देंदे है। ठीक है जी स्टूडेंट, अज दी वीडियो दे विच आपां इन्ना ही करांगे, फिर जिहड़ा टॉपिक रह गया थोड़ा जिहा डिस्क्रिमिनेशन एंड मेडिटेशन ते लीगल इशू, ये अपना रह गया, कल दी वीडियो दे विच अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।